पाठ आठ काका हाथरसी के पत्र। यह पाठ हिंदी की विभिन्न प्रचलित विधाओं के अंतर्गत पत्र लेखन विधा की श्रेणी में आता है। हिंदी के प्रसिद्ध हास्य कवि काका हाथरसी ने पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित किए जाने और अमेरिका में हास्य व्यंग्य के आयोजित कार्यक्रमों में आशातीत सफलता प्राप्त करने पर अपने पुत्र गिरिराज को ये पत्र लिखे थे। इन पत्रों में उनकी हास्य प्रियता, मातृभूमि के प्रति प्रेम, दूसरों की ईमानदारी के प्रति प्रशंसा की भावना आदि भाव स्पष्ट झलकते हैं। गुरु नानक देव जी ने कहा है कि अच्छे विचार महान कार्यों के पहले आते हैं। लोधी होटल, कमरा नंबर 224, नई दिल्ली, 16 मार्च 1985। प्रिय गिरिराज, पद्मश्री अलंकरण मिल गया। राष्ट्रपति भवन का दरबार हॉल भरा हुआ था। अद्भुत साज सज्जा थी। महामहिम ने अवार्ड देकर हाथ मिलाया, फिर हमारी छाती पर मेडल लटकाया। फिल्म वालों और फोटोग्राफरों की भीड़ फटाफट क्लिक कर रही थी। अशोक कक्ष में जलपान की व्यवस्था थी। फिर मुगल गार्डन के ईस्ट लॉन में पद्म भूषण और पद्मश्री पाने वालों का ग्रुप फोटो खींचा गया। टीवी वाले भी आए थे। उन्होंने जो कुछ पूछा हमने बता दिया। एक मित्र जो मस्खरे टाइप के थे कहने लगे, काका जी आपको तो पद्म भूषण मिलना चाहिए था। हमने कहा, यार तुम क्या जानो, पद्मश्री मिला है तो पद्म भूषण भी मिल जाएगा। यहाँ नई दिल्ली के प्रसिद्ध लोधी होटल से यह पत्र लिख रहा हूँ। 4 दिन के लिए सरकार ने यह होटल पद्मश्री अवार्ड वालों के लिए बुक करा दिया है। खूब खाओ पियो, मौज उड़ाओ, 18 को हाथरस चले जाएंगे, काकी से मिलेंगे। अब उनको विश्वास हो जाएगा कि पद्मश्री प्रतिष्ठित अलंकरण है। काका हाथरसी, न्यूयॉर्क, 8/11/84। प्रिय गिरिराज, 2 महीने 22 दिन हो गए आज, अब अमेरिका से मुख मोड़ रहे हैं, अपने प्रशंसकों को यहीं छोड़ रहे हैं। मैंने और डॉक्टर तरुण ने यहां 40 प्रोग्राम कर लिए, आशातीत सफलता मिली है। डॉलर ले जाने पर प्रतिबंध ना होता तो ढेर लगा देते नोटों के, फिर भी हम दोनों को भेंट स्वरूप काफी सामान मिले हैं। यहां कुछ कष्ट नहीं है, खूब मौज मजे से शाही महलों में रहे हैं। गरम गरम भारतीय भोजन हमको भारत की बेटियां बेटे खिलाते हैं। आज रात्रि को दिल्ली के लिए उड़ जाएंगे। 12,000 मील की यात्रा लगभग 18 घंटे की है। यहां सर्दी कड़ाके की पड़ रही है, फिर भी हम दोनों समय घूमने जाते हैं। हमारे होस्ट कहते हैं, काका बाहर नहीं निकलना, टेम्परेचर 0 से भी नीचे है, जम जाओगे। किंतु हम गरम कुर्ता पजामा डालकर, मफलर गले में कसकर, हाथों में दस्ताने, पैरों में मोजे फिट करके चले जाते हैं और आधा घंटे कुदन्ना मार कर लौट आते हैं तो सब ताज्जुब करते हैं। यहां अब तक 15 हवाई यात्राएं, 50 कार यात्राएं, 2 रेल यात्राएं हो चुकी हैं। बड़े बड़े करोड़पति सेठ जो यहां आते हैं इतनी सैर नहीं कर सके होंगे। यहां सफाई, चमक दमक और ईमानदारी स्तुत्य है, फिर भी अपनी जन्मभूमि भारत माता की याद आती है। अब जाकर काकी के लिए जो उपहार मिले हैं उन्हें प्रस्तुत करके उनकी मुस्कान का मजा लेंगे। तरुण जी तुमको राम राम कह रहे हैं। मीना, चुनमुन, मुनमुन को आशीर्वाद। काका हाथरसी।